हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक्चुअली बीच में काफ़ी दिन का गैप हो गया, मैं नया वीडियो नहीं डाल सका। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि क्या वीडियो लेकर आऊँ, किस चीज़ के बारे में, क्योंकि यूट्यूब पे भीड़ चाल लग मची हुई है आजकल कि उसने उसका वीडियो देख लिया, उसको टिप टाप करके बना दिया कि इसमें ये डाल दो, उसमें ये डाल लो और मिला लो। मेरे पास कई फ़ोन आते हैं क्योंकि मैं अपने जो फार्मूलाज हैं वो मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ यूट्यूब पर। मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ, क्योंकि ये सब फॉर्मूला नहीं देना मतलब आम आदमी के लिए, हर किसी के लिए मुश्किल है, हर कोई नहीं बना सकता इन चीज़ों को। तो इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं देता हूँ, तो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ और कुछ अलग किस्म के वीडियो डालता हूँ। मेरे सारे वीडियो देखो सेलेक्टेड हैं। तो काफ़ी दिनों से कुछ बिजी भी था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सा वीडियो बनाऊँ, तो आज एक नया बिज़नेस लेकर आया हूँ, बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आजकल जो फैशन का ये युग है, इसमें लड़के लड़कियाँ अपने बालों के ऊपर बड़ा एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं, तो इस सिलसिले में मैंने दो वीडियो पहले भी डाले हुए हैं और एक जानकारी वाला वीडियो भी डाला था कि कुछ सफ़ेद बालों को कैसे काला होने से बचाएं, सॉरी काले बालों को सफ़ेद होने से कैसे बचाएं। तो ये इस तरह से इस कड़ी में एक मैंने हेयर डाई और इन सब का भी वीडियो बनाया था, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो आज ये जो हम लोग बना रहे हैं ये है ब्रिलियंट टाइम या पोमेड। अब पोमेड और ब्रिलियंट टाइन होता क्या है, देख आज जो लड़के लोग हैं अपने बालों पे साइड से छोटे कर लेंगे और ऊपर से खड़ा कर लेंगे और टेढ़ा मेढ़ा कर लेंगे, पता नहीं कौन कौन से कट आ गए हैं, तो ये उन सबको हेल्प करने का है। ऐसे कुछ लड़कियां हैं, लड़कियां जो लंबे बाल नहीं पसंद करती, बॉब कट रखना पसंद करती हैं या छोटे बाल रखना पसंद करती हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। तो आजकल ये लोग जो फैशन है, फैशन लेवल लोग हैं, तो ये क्या है कि जो तेलों में तेल वगैरह नहीं लगाते कि यार बाल चिपचिपे हो जाएंगे। वैसे तेलों में भी कई तरह के तेल आ गए हैं कि ये हमारा तेल चिपकता नहीं है, ये हमारा तेल ऐसा है, ये हमारा तेल वैसा है, लोग ऐड करते हैं बताते हैं, तो ऐसे ही है। तो अभी पोमेड एक्चुअली ये मेन चीज़ है ना, विदेश से आई है। मैंने दुनिया के कई देशों में गया हूँ, मैंने वहाँ देखा है, तो वहाँ लोग तेल वगैरह कम लगाते हैं, हेयर क्रीम्स, पोमेड, ब्रिलियंट टाइम्स ये सारा यूज होता है। तो इसका मतलब ये अधिकतर जो ब्रिलियंट टाइम्स होता है वो होते हैं वो इसमें, ये जो आप देख रहे हैं डिब्बी, एक छोटी सी डिब्बी या छोटी सी बोतल टाइप से होती है, उसमें पैक होके आते हैं। कोलेप्सियल ट्यूब्स होते हैं, उसमें बहुत कम मिलता है आपको, बहुत कम आते हैं कोलेप्सियल ट्यूब्स को। तो कुछ बड़ी कंपनियां हैं वो बना रही, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर, मेरा एक उद्देश्य और भी है कि बिज़नेस को लाऊं, वो छोटे स्तर से शुरू कर सकें आप लोग, कम से कम पैसे में शुरू कर सकें, तो मैं उस बिज़नेस को इस तरह से मोल्ड करने का प्रयास करता हूँ। तो अब इस बिज़नेस में क्या है कि इसमें आपको ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, मशीनरी की ज़रूरत तो पड़ेगी अगर आप बड़े स्तर पर करेंगे, लेकिन इस छोटे स्तर से करेंगे तो आपको बहुत थोड़ी सी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपको जो पीछे आप चित्र देखेंगे तो उसमें आपको एक हाई स्पीड मिक्सचर चाहिए है और कुछ होमोगनाइजर टाइप से, होमोगनाइजर चाहिए या मिक्सचर चाहिए, और एक जिग जैग करके एजिटेटर, जिग जैग वाला एजिटेटर चाहिए, जैसे कि आप लोग रई कभी देखा होगा, आपने रई से मट्ठा वट्ठा निकालते हैं गांव के लोग, तो उस तरह से एक जिग जैग एजिटेटर होता है वो, तो इनका काम होता है अगर आप छोटे स्तर से करते हैं और डिब्बी में पैक करते हैं तो। अगर आप कोलेप्सियल ट्यूब में पैक करने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं, तो फिर आपको कम से कम 5 लाख रुपये, कम से कम 5 लाख एक्स्ट्रा, 5 से 7 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, और इसका जो पूरी डिटेल्स हैं उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिलेगा इस पर। तो दोस्तों, ये इस तरह की जो क्रीम होती हैं तो इनको ब्रिलियंटाइन्स या पोमेड्स बोलते हैं। अब जो इसमें भी 2-3 क्वालिटी हैं, जो कम चिकनी क्रीम है, कम चिकनी जो क्रीम्स टाइप्स में आता है उसको बोलते हैं ब्रिलियंटाइन्स, ठीक है जी। और जो थोड़ी ज़्यादा चिकनी होती है उसको पोमेड्स बोलते हैं। अब पोमेड्स में भी और ब्रिलियंटाइन्स में 3 तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो ब्रिलियंटाइन्स हो गया, एक अधिक चिकनी हो गया, ये पोमेड हो गया, और इसके अलावा लिक्विड ब्रिलियंटाइन या लिक्विड पोमेड, ये अलग से होता है। अब इसमें क्या हो, लिक्विड होता है, ये लिक्विड वाला है, जैसे आप इसमें चित्र में देख रहे हैं लिक्विड वाला, लिक्विड वाला ये तेल के सामान पतला होता है और बालों को पोषण देता है, और इसमें ग्लिसरीन का ऑयल यूज होता है। तो इसमें मतलब ग्लिसरीन खुली और सूखी रहने पर क्या होता है कि वातावरण से नमी सूखती रहती है,
तो इसलिए ऐसा महसूस होता है इसे को लगाने के बाद में कि जैसे आप अभी अभी नहा कर आए, भले ही आप 6 घंटे 8 घंटे पहले लगा के चुके हों, तो ऐसा महसूस होता है। तो एक वो अलग तरह से होता है, मतलब एक तो यूरोप वगैरह में इसे बड़ा अच्छा, यूरोप में अमेरिका में इसका बहुत यूज होता है। इसमें भी जब आप मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं आपको सबसे अच्छी जो बेस्ट ब्रिलियंट क्रीम मार्केट में चल रही है उसके फॉर्मूला दूंगा। उसके अलावा सस्ती सस्ती रेंज में जो बना सकते हैं उसके भी फॉर्मूला दूंगा आपको। और अच्छी किस्म की आप लिक्विड ब्रिलियंटाइन बना सकते हैं, और एक कठोर, ये मतलब थोड़ी सी कोलेप्सिल ट्यूब्स में पैक की जाती है, इसमें थोड़े सुअर की चर्बी वगैरह मिलाई जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी हार्ड होती है। तो इसका थोड़ा अलग जगह पर यूज होता है। अब एक्चुअली मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें, हेयर स्टाइलिंग में, तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़्यादातर कोलेप्सिल ट्यूब में भरी जाती है। तो इसके लिए अगर आप चाहेंगे, मैं फॉर्मूला दे दूँगा आपको, आप चाहेंगे तो उसमें हो सकता है, नहीं तो नहीं की बात है। इसमें भी 2-3 क्वालिटी होती है अच्छी और